अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब इलेक्ट्रिक हैक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जो आप मोटर एक देख रहे हैं ये सिंगल फेस 7.5 HP की मोटर है। 5.5 किलोवाट मोटर से किलोवाट में अगर कहें तो ये सिंगल में, इसमें 4 अदद कैपेसिटर लगी हुई है स्टार्टिंग और 1 रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। ये इसका मोनोग्राम है, लेकिन ये रात की वजह से सही तरह से शो नहीं हो रहा, लेकिन ये इसका ही मोनोग्राम आप देख सकते हैं। तो ये 3600 एम्पेयर पे लोड पे इसने चलना होता है। तो ये 4445 एम्पेयर लोड ले रही थी, इसकी ये प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने इसे खोला और इसका देखा, वाइंडिंग चेक की और इसका मसला चेक किया। तो जहाँ तक हमारा जो खोलने के बाद हमें इसका नुकस समझ आया, वो आपको भी बता देते हैं कि जब इस मोटर को चेक किया गया तो इसमें शॉफ्ट में काफ़ी ज़्यादा प्ले थी। तो प्ले होने की वजह से हमने इसे खोला, भी हो सकता है या शॉफ्ट में प्ले है या प्लेटों में प्ले भी हो सकती है, बैरिंग का मसला भी हो सकता है। तो फिर इस वजह से ये लोड ज़्यादा दे लेती थी, तो हमने इस मोटर को खोला है। तो अभी आपको इसकी प्लेट्स दिखाते हैं, बैक प्लेट्स। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि इसकी वाइंडिंग बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है, कोई इसमें ऐसी कोई जली हुई वाइंडिंग नज़र नहीं आ रही। इसका पेपर भी बिल्कुल है, हीट अप भी मोटर नहीं लग रही। तो इसकी जो शाफ्ट थी वो, मतलब इसकी बैक प्लेट जो थी उनमें प्ले थी, जिसकी वजह से ये स्टेटर के साथ थोड़ी थोड़ी रगड़ चलते दौरान लेती थी, जिस वजह से ये थोड़ी गर्म हो रही थी मोटर और इसका ब्रेकर भी ट्रिप कर रहा था। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। तो अभी हम इसकी जो, ये आप इसका मोनोग्राम देखें अगर आपको सही नज़र आ रहा हो, तो ये 5.5 किलोवाट 6.5 HP। अब ये इसकी ये प्लेट्स जो है, इनकी शाफ्ट जो है में तो मसला नहीं था ना इसके बैरिंग में, तो इसकी प्लेट्स में बैरिंग जो है वो मतलब आराम से अंदर बाहर हो रहा था। तो इसकी प्ले को हम ख़त्म कर रहे हैं, इसको पंच दे रहे हैं। ये स्टील का एक कील है और कील के ऊपर हमने टेप लगाई है, तो टेप लगा कर इसे पंच कर रहे हैं। तो पंच लगाने के बाद इसकी फिटिंग हमने जब की तो इसका लोड 45 से अब 40-47 पे आ गया है। तो फिर भी लोड इसके हिसाब, मोटर के हिसाब से तो ज़्यादा ही है, लेकिन ये है कि इसकी पंचिंग करने से काफ़ी सारा लोड में फ़र्क आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसकी लाजमी से शाफ्ट वगैरह भी चेक कर लिया करें, अगर वाइंडिंग ठीक हो तो।